श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथैकोन त्रिंशो अध्याय भक्ति का मर्म और काल की महिमा। देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते अमीषां येन तत्पारमार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचच्छते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरसः प्रभो। देवहूत ने पूछा, प्रभो प्रकृति पुरुष और महत्तत्व आदि जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है और भक्त योग की योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है वह आपने मुझे बताया। अब कृपा करके भक्त योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचच्छ्व जीवलोकस्य विविधा मम संसृतिः कालस्य स्वरूपस्य परेषां च परस्यते स्वरूपं वत्कुर्वन्ति यद्धेतो कुशलं जनाः। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए जिनके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्मादि का भी शासन करने वाला है उस सर्व समर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। लोकस्य मिथ्याभि मतेर चक्षुश्चिरं प्रसुप्तस्य तमस्या तमस्यनाश्रये श्रान्तस्य कर्मस्वनु विद्यया धिया त्वमाविरासीः किल योग भास्करः। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमिक होकर जो चिरकाल से अपार अंधकारमय संसार में सोए पड़े हैं उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए हैं। मैत्रेय उवाच इदि मातुर्वचः सलक्षणं प्रतिनन्दः महामुनिः आपभासे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्ताम करुणार्दितः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान उवाच भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्य भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विभिद्यते अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरम्भि भिन्न दृग्भावं मयि कुर्यात्स तामसः विषयान भिसंधाय यस ऐश्वर्यमेव वा अर्चादा वर्चयेद्यो मां पृथक भावः स राजसः। श्री भगवान ने कहा, माताजी, साधुओं के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी भिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादि में मेरा भेद भाव से पूजन करता है वह राजस भक्त है। कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजेदष्टव्यमिति वा पृथक भाव स सात्विक मद्गुण श्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिर्विचिच्छिन्ना
यथा गंगांभ सो अम्बुधौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमी। जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वंतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। सालोक्य सारशिष्ट सामीप्य सारूप्य तुमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य और सायुज्य मोच तक नहीं लेते। सालोक्य भगवान के नित्य धाम में निवास और सारष्टि भगवान के समान ऐश्वर्य भोग और तीसरा सामीप्य भगवान की नित्य समीपता और चौथा है सारूप्य भगवान का सारूप और पांचवा सायुज्य भगवान के विग्रह में समा जाना उनसे एक हो जाना या ब्रह्म रूप प्राप्त कर लेना। स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृत येनातिव्रज्य त्रिगुणम मद्भावा योपपद्धते। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्त योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघकर मेरे भाव को मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निसेवितेना निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन सस्तेन नातिहिंस्त्रेण नित्यसह मद्धिर्षण्य दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत्य अभिवंदने भूतेषु मभ्भावनया सत्वेना संगमेन च महता बहुमानेन दीनाना मनुकंपया मैत्रया चैवात्म तुल्येषु यमेन नियमेन च आध्यात्मिका अनुश्रवणानां संकीर्तनाच्च मे आर्ज वेनार्य संगेन निरहंक्रियया तथा मद्धर्मणो गुणैरेतये परिसंशुद्ध आशयः पुरुषस्यांज साभ्येति श्रुत मात्र गुणम ही माम। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रतिहिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने मेरी प्रतिमा का दर्शन स्पर्श पूजा स्तुति और वंदना करने प्राणियों में मेरी भावना करने धैर्य और वैराग्य के अवलंबन महापुरुषों का मान दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने यम नियमों का पालन अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझमें लग जाता है। मद्धर्मणो गुणैरेतये
परिसंशुद्ध आशय पुरुषस्यांज साभ्येति श्रुतमात्र गुणम ही माम यथावातरथो घ्राण मावृंगते वृंगते गंध आशयात एवं योगरतम चेत आत्मान आत्मानम विकारियत। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक पहुँच जाता है, उसी प्रकार भक्त योग में तत्पर और राग द्वेषाद विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तम अवज्ञाय माम मर्त्य कुरुते अर्चा विडम्बनम यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मान मीश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ्याद्ध अस्मन्येव जुहोति सह द्विशतः परकाये माम मानिनो भिन्नदर्शिन भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिम् इच्छति अहमुच्चावचैर् द्रव्यैः क्रियोत्पन्न यानघे नैव तुष्ये अर्चितो अर्चायां भूतग्रामाव मानिनः। अर्चादावर चयेत्तावदीश्वरं मां स्वकर्मकृत यावन्न वेद स्वहृद सर्वभूते सस्व अवस्थितं आत्मानश्च परस्यापि यः करोत्यंत रोदरं तस्य भिन्न दृशो मृत्युर्विधे भयमुल्बणम् अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयं अर्हयेद्दानमानाभ्यां मैत्रा मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा जीवाः श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभृतः सुवे ततः सचित्ताः प्रवरास्तस्चे इन्द्रिय वृत्तयः तत्रापि सर्वसवेदिभ्य प्रवराहरसवेदिनः तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठा अस्ततः शब्दविदो वराः। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव ना हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथायोग्य दान मान मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। माता जी, पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम और उनसे इंद्रिय की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। सेंद्रीय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्य आदि उत्कृष्ट हैं तथा रसवेत्ताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले भ्रमर आदि और गंध का ग्रहण करने वालों से भी शब्द का ग्रहण करने वाले सर्प आदि श्रेष्ठ हैं।
रूप भेद विदस्तत्र ततश्चोभय तोदतः तेषां बहुपदाः श्रेष्ठाश्चतुष्पाद दस्ततो द्विपात ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो हार्थज्ञो अभ्यधिकस्ततः अर्थज्ञा संशयच्छेत्ता ततः श्रेयान् स्वकर्मकृत मुक्तसंगस्ततो भूयान् दोग्धाधर्मात्मनः तस्मान्मयर्पिता शेषक्रियार्थात्मा निरन्तरः मयर्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकर्मणः न पश्यां परं भूतं कर्तुः संदर्शनात् मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्वहु मानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति भक्तियोगस्य योगस्य मया मानव्युदीरितिः ययोरेकत् रेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत् एतद्भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितं रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदिशां भयम्। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले काका आदि उत्तम हैं और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी बिना पैर वालों से बहुत से चरणों वाले श्रेष्ठ हैं तथा बहुत चरणों वाले से चार चरण वाले और चार चरणों वाले से भी दो चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में भी चार वर्ण श्रेष्ठ हैं उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में वेद को जानने वाले उत्तम हैं और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले और उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और संदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। अतः यह मान कर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत हैं इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा पर ब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नाना विधि वैचित्र का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं तथा इनसे यह पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसी से महत्त्व आदि के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। यो अन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः स विश्वाख्यो अधियज्ञो असौ कालः कलयतां प्रभु न चास्य कश्चिद्दीतो न देश्यो न च बान्धवः आविसत्य प्रमत्तो असौ प्रमत्तं जनमन्तकृत यब्धया द्वाति वातो अयं सूर्यस्तपति यब्धयात् यब्धया द्वर्षते देवो भगड़ो भाति यद्दयात याद्वन अस्पतयो भीता लताश्चौ औषधिभिः सह स्वे काले अभिगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च अस्त्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पत्युद अधिर्यतः अरिन् अग्निरिन्धे सगिरिभिर् भूर्ण
मज्जति यद्धयात् नभो ददाति स्वसतां पदं यन्नीमाददः लोकं स्वदेहं तनुते महान् सप्तभिरावृतम्। गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिव्यस्य यद्धयात् वर्तन्ते अनुयुगं येषामवस् एतच्चराचरं सो अनंतो अनंतकरः कालो अनादिरा दिकृतव्यः जनम जनेन जनय जनयन्मार यन्मृत्यु नान्तकम्। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है, वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विश्व है। इनका ना तो कोई मित्र है, ना कोई शत्रु और ना तो कोई सगा संबंधी ही है। यह सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर औषधियाँ सहित लताएं और सारी वनस्पतियाँ समय समय पर फल फूल धारण करती हैं। इसी के डर से नदियाँ बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इसी के शासन से यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महत्तत्व अहंकार रूप शरीर का सात आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इस काल के ही भय से सत्व आदि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण जिनके अधीन यह सारा चराचर जगत है अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग क्रम से तत्पर रहते हैं। यह अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदिकर्ता उत्पादक है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा कर इसका अंत कर देता है। इद श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंधे कापिलोपाख्याने एकोनत्रिंशो अध्यायः श्रीराधावल्लभलाल की जय।